स्टेटस सोनू का सब्सक्राइब। बीरबल की खिचड़ी की कहानी। बीरबल की खिचड़ी की कहानी काफ़ी मज़ेदार कहानी है। इस कहानी में बीरबल अपनी बुद्धि से बादशाह अकबर को अच्छी सीख दी। इसके साथ ही एक व्यक्ति को उसके काम का फल भी अकबर से दिलवाया। एक बार की बात है, राज्य में बहुत कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल क्या कोई ऐसा इंसान हमारे राज्य में है जो इस ठंडी में पूरी रात पानी में बिता सके? बीरबल ने कहा, जहाँपनाह ऐसे बहुत से लोग हैं। इस पर बादशाह बोले, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। बीरबल बोले, आप विश्वास करिए, ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे राज्य में जो बस कुछ पैसों के लिए कोई असंभव काम कर सकते हैं। इस पर बादशाह अकबर बोले, ठीक, आप हमें साबित करके दिखाइए। बीरबल बोले, मैंने साबित कर सकता हूँ। अगले दिन बीरबल दरबार में एक धोबी को लेकर आए। बीरबल दरबार में सभी के सामने बोले, यह व्यक्ति सारी रात पानी में खड़ा रह सकता है। इस पर दरबार में मौजूद लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। बादशाह अकबर बोले, ठीक है, यह आज की रात हमारे महल के पीछे वाले तालाब में सारी रात खड़ा रहेगा। इसके साथ ही यह आज हमारा शाही मेहमान है, क्या पता कल यह जीवित हो या ना हो। बादशाह ने यह भी वादा किया कि अगर यह सारी रात इस ठंड में तालाब में खड़ा रहा तो इसे मैं कल ढेर सारा उपहार दूंगा। सारा दिन उस धोबी की खातिरदारी की गई। रात होते ही वह महल के पीछे वाले तालाब में जाकर खड़ा हो गया। उसके आसपास कई सैनिक भी मौजूद थे जो उस धोबी पर नज़र बनाए हुए थे। अगले दिन दरबार में बीरबल उस धोबी को अपने साथ लेकर आए। उस धोबी को जिंदा देख बादशाह अकबर भी सोच में पड़ जाते हैं। बादशाह अकबर सैनिक से पूछते हैं, क्या तुम सबने इस पर कड़ी नज़र रखी थी? सैनिक ने कहा, जहाँ पनाह हमने इस पर कड़ी नज़र बनाए रखी थी। इस पर भी बादशाह अकबर को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इतनी ठंड में सारी रात तालाब में पानी में खड़ा होकर बिता सके। अपने मन के सवाल को बादशाह अकबर ने उस धोबी से ही पूछ ही दिया जो धोबी उस तालाब में रात भर खड़ा रहा था। उस धोबी ने कहा, जहाँपनाह शुरू में मेरे लिए भी यह कठिन था। कुछ समय के बाद मुझे महल के पास जलता हुआ एक चिराग दिखा। मैं उस जलते हुए चिराग को देखकर सारी रात पानी में खड़ा रहा। यह सुनकर बादशाह अकबर को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुमने हमारे चिराग की गर्मी को लेकर खुद को गर्म किया और इस तरह सारी रात नींद में बिताया। मैं तुम्हें इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा सुनाता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि इस कड़ाके की ठंड में तालाब में खड़ा रहना कितना मुश्किल है। चलो, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं देता हूँ और ना ही मैं तुम्हें कोई उपहार दूंगा। यह सब बीरबल को काफ़ी बुरा लगा, पर फिर भी यह सब समय कुछ नहीं बोले। उन्होंने अपने मन में तय कर लिया कि यह जरूर बादशाह अकबर से उस धोबी को उपहार दिलाएंगे। अगले दिन ही दरबार में बीरबल की काफ़ी जरूरत थी, लेकिन दरबार में बीरबल नहीं थे। साथ ही उन्होंने अपने ना आने का कारण भी बताया था। उस समय इंतज़ार करने के बाद बादशाह अकबर खुद ही बीरबल के घर जा पहुँचे। बीरबल के घर जाकर जो बादशाह अकबर ने देखा, उन्हें उस पर विश्वास ही नहीं हुआ। बीरबल ने ज़मीन पर आग जला रखी थी। उसके कुछ गज ऊपर एक पतीली में खिचड़ी का सामान रखा था। बीरबल खिचड़ी पकने का इंतज़ार कर रहे थे। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या कभी इस तरह से तुम्हारी खिचड़ी पक सकती है? खिचड़ी तक आग नहीं जा रही है और ना धुआं भी जा रहा है। इस पर बीरबल बोले, जहाँ पर ना खिचड़ी जरूर पकेगी, आप दरबार में जाएं, मैं खिचड़ी खाकर दरबार में आता हूँ। बादशाह अकबर बोले, तुम पागल हो गए हो क्या? इस तरह से कभी खिचड़ी नहीं पक सकती। खिचड़ी को पकाने के लिए उसे सही मात्रा में गर्मी चाहिए। बीरबल बोले, जापना जब कई गज दूर जगह जल रहा दिया किसी इंसान के शरीर को गर्म कर सकता है, तो यह यहाँ पर तो खिचड़ी जरूर पकेगा, आप माने या फिर ना माने। अब बादशाह अकबर को सब कुछ समझ में आ गया। उन्होंने बीरबल से कहा, अब मैं तुम्हारे साथ महल चलो, मैं व्यक्ति को उसका उपहार जरूर दूंगा।
उसके बाद अकबर ने उस धोबी को उसे दे दिया। तभी बीरबल खिचड़ी की कहानी प्रसिद्ध हो गई। यह कहानी भी